आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर नालंदा से है। भारतीय जनता पार्टी का राजगीर में चल रहे प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर में पहुंची बिहार की डिप्टी सीएम रेणु सिंह ने कहा कि हम लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जहां तक जेडीयू के चल रही तल्खी पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे अंदर कोई मतभेद नहीं है और हमारी सरकार 5 सालों तक चलेगी। जहां तक जेडीयू नेताओं के द्वारा पीठ में खंजर घोंपने पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई क्या कहता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, मगर जदयू में खुलकर लोग बीजेपी के मुद्दे पर आ रहे हैं, मगर बीजेपी के नेता इस संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारा प्रशिक्षण शिविर बीजेपी कार्यकर्ताओं प्राथमिक पाठशाला है। चाहे जितना भी पढ़ो, पर अपने को छोटा ही समझने का काम करें। हमारी सरकार एक मुक्त है और हमारे सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और अगले 5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। हमारे इंडिया की बुनियाद की नींव कभी हिल नहीं सकती और कोई अपना अगर व्यक्तिगत कुछ भी करे, लेकिन हमारी सरकार में किसी तरह का परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक पाठशाला है हमारा प्रशिक्षण शिविर। चाहे जितना भी पढ़ो, अपने को तो छोटे ही समझते हैं ना हम लोग, इसलिए हमेशा पढ़ना चाहिए। आपकी सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? हमारी सरकार अच्छी चल रही है, ये सोच के रख लीजिए कि हमारी सरकार एक मुश्त मजबूत है। ये हमारा न्यू कभी हिल नहीं सकता है। हम 5 साल सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो बीजेपी पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। महेश्वर हजारी जी का बयान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना व्यक्तिगत कोई कुछ भी करे, लेकिन हमारी सरकार में किसी तरह की परेशानी नहीं। सब कुछ ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक ठाक है और ठीक ठाक रहेगा।